हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पेप टॉक विद नीलम। आज का मेरा एपिसोड एक बहुत इम्पॉर्टेंट एपिसोड है, क्योंकि ये एपिसोड आपको बिना भूले अपनी उस बेटी के साथ शेयर करना है जिसको अभी अभी पीरियड्स शुरू हुए हैं। उस बेटी के साथ शेयर करना है जो अभी घर छोड़ करके कॉलेज ज्वाइन करने शहर के बाहर गई है, या अपनी छोटी बहन से शेयर करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये वीडियो आपको खुद देखना है, क्योंकि इसमें मैं ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ जो प्रॉब्लम्स हम लेडीज पीरियड के दिनों में हमेशा फेस करते हैं और हमारे पास उनका कोई इजी सोल्यूशन नहीं होता। Click on this subscribe button and the bell icon so that you do not miss out on any of my future videos. Stay happy, stay healthy. Hi friends, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि पीरियड्स के बारे में बात करने में हम लोगों ने इतना टैबू क्यों बना रखा है सोसाइटी में? क्या दुनिया नहीं जानती कि औरतों को पीरियड्स होते हैं? अगर हमको सैनिटरी नैपकिन भी लेने जाना है, हो सकता है कि गाँव में और शहर में अभी थोड़ा सा प्रोग्रेसिव होने में फर्क हो, पर अगर अभी भी एक लड़की केमिस्ट्री शॉप पे फिर सैनिटरी नैपकिंस लेने जाती है, तो वो सैनिटरी नैपकिंस जो कंपनी से इंडिविजुअली एक एक नैपकिन अलग अलग पॉलिथिन में रैप होता है, 12 नैपकिंस एक इंडिविजुअल बड़ी पॉलिथिन में रैप्ड होते हैं, फिर आप केमिस्ट भैया की शॉप पे जा करके उनके कान में या पेपर पे लिख करके आप उनको बताती हैं कि आपको कौन सा ब्रांड चाहिए, और फिर वो दुकान वाले भैया उस पैकेट को निकाल के न्यूज़पेपर में लपेटते हैं और फिर उसको बहुत ही छुपा करके एक ब्लैक पॉली बैग में डाल करके आपको पकड़ा देते हैं। क्यों इतना छुपाने की जरूरत है? सबको पता है कि ये होता है। एनीवेज, सो मेरे पास कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो बहुत हेल्पफुल होंगी आप सभी के लिए। देखते हैं। नंबर वन, जब हमें नए नए पीरियड्स शुरू होते हैं तो हम सभी को कम या ज़्यादा फ्लो की प्रॉब्लम होती है। इस चीज़ से अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही हो और आप पता ही नहीं लगा पा रही हो कि मेरे समय कभी किसी महीने ज़्यादा किसी महीने कम, तो हिमालया ईव केयर नाम की एक दवाई आप बाज़ार में आसानी से अवेलेबल है। आप लोग प्लीज़ उसे परचेज करिए और उसमें जो डोसेज उस बॉटल पे दी हुई है आप उस डोसेज को उस हिसाब से ज़रूर पिए। ये दवाई बहुत हेल्पफुल है पीरियड्स का फ्लो मेंटेन करने के लिए। नंबर टू, कितनी देरी पे हमें सैनिटरी नैपकिन बदलनी चाहिए? सैनिटरी नैपकिन कम से कम 4 घंटे पे हमको बदल जरूर लेना चाहिए, अदरवाइज बॉडी हीट और मॉइस्चर से वहाँ पे बैक्टीरिया हो सकते हैं, बहुत सारे गंदे बैक्टीरिया, जिससे आपको UTI यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का डर होता है। इसलिए ज़रूर से ध्यान रहे कि हम अपना सैनिटरी नैपकिन हर 4 घंटे पे कम से कम ज़रूर बदल लें। नंबर थ्री, हम लोगों को रात में सोते वक्त सबसे ज़्यादा स्पॉट्स लगने का डर होता है, क्योंकि हम आराम से सो भी नहीं पाते। हफ्ते के वो 5 दिन हमारी नींद प्रॉपरली पूरी नहीं होती और कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह उठते हैं और स्पॉट्स लगे हुए होते हैं। तो बाजार से डे और नाइट पैड अलग अलग खरीदने के बजाय आप उसे घर पर बना सकते हैं। जो नैपकिन आप यूँ लगाते हैं उसी नैपकिन को आप यूँ लगा करके साथ में एक नैपकिन बैग में यूँ लगाएं, लाइक दिस टी बना करके। When you make this kind of a napkin ka tea, आपका ये नाइट पैड तैयार है और आप रात में आराम से सो सकते हैं। टिप नंबर 4, बहुत सारी लड़कियों को पेट दर्द होता है पीरियड्स के दिनों में, क्या करना चाहिए? हीटिंग पैड, पानी का हीटिंग पैड, पानी की वाटर बॉटल जो गर्म, जिसमें हम गर्म पानी रखते हैं, वो सबसे आसान सोल्यूशन है। सेकेंड थिंग, एक पिलो कवर में थोड़ा सा, लगभग आधा से पौना किलो चावल, कच्चा चावल भर के उसे बंद करके उसे तवे पे गर्म कर लें, और उस तवे पे गरम करे हुए चावल को या माइक्रोवेव में गरम करे हुए उस पोटली को आप अपने पेट पे रख रख करके सेकें, बहुत आराम मिलेगा। एक और यूजफुल टिप इन दिनों के लिए जब हमारे पेट में दर्द होता है, तो है कि ब्रांडी में कॉटन को डिप करके उसको अपने नाभि पे या अपनी नेवल के होल पे रखें। ब्रांडी जैसे ही अंदर एब्जॉर्ब होती है हमारा पीरियड्स का पेन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ये टिप मैंने अपने इस वीडियो में भी दिया है जिसका लिंक मैं ऊपर दे रही हूँ। नंबर 5, सारी नई लड़कियों के लिए, जिस दिन में भी आपको शक हो कि आपके पीरियड शुरू होने वाले हैं, मेक श्योर कि आप डार्क कलर के कपड़े या पिंक प्रिंटेड कपड़े ही पहने, लाइट कलर के कपड़े, प्लेन कपड़े पहनना इन दिनों अवॉइड करें। नंबर 7, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं और आपको नहीं पता कि कहीं आप बाहर हो और आपको ये डर है कि कभी भी पीरियड्स मेरे शुरू हो सकते हैं, तो इस चीज़ को चांस पे ना छोड़ करके एक इमरजेंसी किट अपने पास हमेशा तैयार रखें। इस इमरजेंसी किट में होंगी आपके पास 2 चीज़, पहला कम से कम 2 सैनिटरी नैपकिंस और दूसरा 1 अंडरगार्मेंट। टिप नंबर 8, हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाले फूड्स जरूर खाएं,
गर्ल्स मदर्स जरूर ध्यान दें इस बात पे कि आपको पीरियड के दिनों में उतना हीमोग्लोबिन बढ़ाने वाले फूड टिप नंबर 9, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, आपका बॉडी हाइड्रेट होना बहुत जरूरी है। अगर पानी की कमी होगी तो आपका बॉडी फूलने लगेगा इन 5 दिनों में, जो पानी की कमी से शरीर फूलता है। अगर ऐसा आप नहीं चाहती हैं तो पानी पी करके अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें। टिप नंबर 10 एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, दाग हटाने के लिए क्या करें। सबसे आसान तरीका है, पहली चीज, दाग को कभी भी गर्म पानी में ना भिगोएं, इससे वो दाग और भी ज्यादा जम जाएगा आपके कपड़े में। उस कपड़े को आप एक ठंडे पानी के नीचे लगाएं और फिर नमक और पानी के गाढ़े मिक्सचर को उस दाग पे लगा करके रगड़ें अच्छे से और फिर ठंडे पानी से धो दें, आपका दाग पूरी तरह चला जाएगा। सो दोस्तों, ये थे मेरे कुछ इंपॉर्टेंट 10 टिप्स जो मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपनी एक दूसरी फ्रेंड्स से और बहनों से शेयर करें, ताकि सभी लोग इन टिप्स का फायदा उठा पाए और उन दिनों में उनको परेशानी थोड़ी कम हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे नीचे सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड गिव मी अ बिग थम्स अप। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय।